अलाउडा एरोनॉटिक्स ने मंगलवार 21 फरवरी को एयर स्पीडर क्रू MK4 को पेश किया है, जो उड़ने वाली रेस कार है। दावे के अनुसार दुनिया की पहली और सबसे तेज उड़ने वाली इस कार को एडिलेड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि एयर स्पीडर MK4 दुनिया का सबसे तेज इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग विमान है, जो स्टैंडिंग स्टार्ट से ही 30 सेकंड में 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है और ये 950 किलोग्राम के टेकऑफ वजन के साथ में आता है, जिससे इसकी टॉप स्पीड काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। इसमें रेंज की बात करें तो 300 किलोमीटर तक की रेंज बताई जाती है और 1340 हॉर्स पावर का टर्बो जनरेटर पावर ट्रेन शामिल है, जो कि मोटर्स को पावर देता है। इंजन को ईवी टॉल्स के उपयोग से खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जिससे यह ग्रीन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। अलाउडा एरोनॉटिक्स ने बताया है कि थंडरस्ट्राइक इंजन में शामिल कंबस्टर रॉकेट इंजन के लिए अंतरिक्ष उद्योग में विकसित 3D प्रिंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। कंबस्टर का डिजाइन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन को कम करते हुए हाइड्रोजन फ्लेम तापमान को कम रखता है, जिससे इसका प्रदूषण भी काफ़ी कम होता है। अधिकांश EV12s टिल्ट रोटर्स का उपयोग करते हैं, जो टेकऑफ और लैंडिंग के लिए वर्टिकल सेट होते हैं और क्रूजिंग के दौरान हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। हालांकि MK4 एक गिम्बल सिस्टम का उपयोग करते हुए उड़ान भरता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लाइट कंट्रोल हल्के और 3D प्रिंटर्स गिम्बल्स पर लगे 4 रोटर के जोड़ों को एडजस्ट करता है, जिससे इसे उड़ने में क्षमता मिलती है। तो कुछ इस तरह का ये रेसिंग कार अभी दुनिया में लॉन्च किया गया है। इसे बाहरी देशों में ही लॉन्च किया है, भारत में लॉन्च होगा कि नहीं इसके अभी तो कोई भी जानकारी नहीं है। इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।